आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, आज हम लोग सीखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने का ट्रिक, वो भी सिर्फ एक लाइन से। आपको बस एक सेंटेंस याद करना है, उससे इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो जाएंगे। तो वो लाइन है, जैक स्पैरो मेट सांता क्लॉज। तो जैक स्पैरो, आप एक स्पैरो का नाम रख लीजिए और वो मिलता है सांता क्लॉज से। बस ईजी है, ये सेंटेंस आप याद कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं इससे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी याद होंगे। जैक का आपको जैक पूरा लिख देना है, स्पैरो में आपको सिर्फ एस का काम है, इसलिए बाकी लेटर्स इसके स्पेलिंग को आपको स्मॉल लिख देना है। मेट सांता क्लॉज, सांता में आपको ए का काम नहीं है और क्लॉज में आपको बस सी का काम है। तो जे से हो जाएगा जॉइंटेड अपेंडेजेस, जे एस को मिलाकर आप ये इसके फीचर को याद कर सकते हैं। सी के से हो जाएगा काइटनस एक्सोस्केलेटन, यहाँ पे बी वर्ड का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है तो आपको पी को एज्यूम करना है कि वो बी है, उससे बन जाएगा बाइलैटरल सिमेट्री। ओ से हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम, एम टी से हो जाएगा मेलफीगियन ट्यूबुलर, जो कि वो है जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, तो उसके बीच में जो ई है उससे आपको याद करना है रिलेट करके एक्सक्रीशन थ्रू मेलफीगियन ट्यूबुलर, और इसके टी से ट्रिप्लोब्लास्टिक भी बन जाएगा। एस से हो जाएगा सेंसरी ऑर्गन, ए एंड टी से हो जाएगा एंटीने, सी से हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, और सी से हो जाएगा सिलोमेट। दो तीन पॉइंट्स और है जो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको अलग से याद करने पड़ेंगे। वो हैं, आर्थ्रोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, ये मोस्टली ओवीपैरस होते हैं जो ले करते हैं एग्स को। डेवलपमेंट इम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।